पवन सिंह ने स्त्री टू से अपनी बॉलीवुड एंट्री कर ली है, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है कि भोजपुरी को एक नया मकाम मिलेगा? हम सबके लिए गौरव की विषय है ये कि भोजपुरी आगे बढ़ रहा है। इसमें या हमारा योगदान हो, पवन भैया के या योगदान हो, या कोई भी हो, अगर योगदान देता है तो बहुत ही बड़ी बात है, ये अचीवमेंट है। अभी जो सब्सिडी का नया स्कीम आया है, ये हमारे लिए और बिहार वासियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो भी छोटे कलाकार हैं या फिर जो और कुछ देखना चाहते हैं फिल्मों के माध्यम से और फिल्म का और बड़ा करना चाहते हैं, तो वो जब सरकार का बल मिलेगा तो डेफिनेटली और भी अच्छा होगा और भी अच्छी अच्छी फिल्में बनेंगी। आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, हिंद दृष्टि से देखा जाता है, ये इस बात में हम बिलीव नहीं करते हैं। खास करके लोगों का नज़रिया कुछ दूसरा होगा, लेकिन हम बिलीव नहीं करते, इसलिए कि अगर आप में पोटेंशियल है, अगर आप में ताकत है काम करने की, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। हम भी छोटे घर से, हम भी सामान्य घर से आए हैं, और भी जितने लोग आगे बढ़े हैं सब सामान्य घर से ही आए हैं। हे शिव दानी राउर आरती उतारा तानी, हे भोले बाबा राउर आरती उतारा तानी, आरती उतारा तानी सिरे से नूरा मांगा तानी, हे भोले बाबा राउर आरती उतारा तानी। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है और अब बापू सभागार में जिस तरीके से भोजपुरी सितारों का तांता लग चुका है, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राजा जी हैं, सीधे जुड़ते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और जितने दर्शक देख रहे हैं लाइव बिहार, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। ऐसे तो हमेशा अंकुश जी आपके साथ ही दिखते हैं, अभी नहीं दिख रहे हैं। अभी परफॉर्मेंस चल रहा है उनका जी, तो जैसे ही परफॉर्मेंस आएगा तो फिर हम जाएंगे, तो अभी तो थोड़ा सा आप एक साथ नहीं है क्योंकि वर्क चल रहा है जी। कैसे देख रहे हैं सावन के महीने को? आप लोगों का भी गाना आया है, महादेव का महीना है, कैसे मनाते हैं सावन का ये जो पावन महीना है? ये बहुत ही लाभकारी होता है अगर सच्चे दिल से भगवान को याद किया जाए, भगवान शिव को याद किया जाए, तो हमारे मन में जो श्रद्धाएं होती हैं वो सारी पूरी होती हैं, और हम सभी बहुत दिल से पूजा करते हैं, और ख़ास करके हमारे इंडिया में जी। भगवान शिव को बहुत पूजा जाता है, और अब तो विदेशों में भी हर जगह, ऐसे तो विश्व में वो महानायक है जी। तो भगवान शिव का पूजा, अर्चना, आराधना, ये सनातन धर्म का नींव है, तो इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। पूजा आराधना हर बार करनी चाहिए, हर दिन करना चाहिए। अब तो सरकार आप लोगों के लिए नए प्रोजेक्ट्स भी ला रही है, कैसे देख रहे हैं कि नए गवर्नमेंट क्या आप लोगों की उम्मीदों पर खरी उतर रही है? ये बहुत अच्छी बात है। अभी जो सब्सिडी का नया स्कीम आया है, ये हमारे लिए और बिहार वासियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो भी छोटे कलाकार हैं या फिर जो और कुछ देखना चाहते हैं फिल्मों के माध्यम से और फिल्म का और बड़ा करना चाहते हैं, तो वो जब सरकार का बल मिलेगा तो डेफिनेटली और भी अच्छा होगा और भी अच्छी अच्छी फिल्में बनेंगी। एक सवाल ये भी है कि पवन सिंह ने स्त्री टू से अपनी बॉलीवुड एंट्री कर ली है, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है कि भोजपुरी को एक नया मकाम मिलेगा? क्योंकि हमेशा अगर हम भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो लगातार यही सवाल उठाया जाता है कि अश्लीलता परोसती हैं, विवाद रहती है, झगड़ा होता है, पब्लिसिटी स्टंट होता है। क्या पवन सिंह की इस एंट्री से आप लोगों को और भोजपुरी के अलग कलाकारों को बॉलीवुड में एक जगह मिलेगी? देखिए, बात किसी का भी हो, अगर भोजपुरी आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं खुशी की बात है, और हम सबके लिए गौरव की विषय है ये कि भोजपुरी आगे बढ़ रहा है। इसमें या हमारा योगदान हो, पवन भैया के या योगदान हो, या कोई भी हो, अगर योगदान देता है तो बहुत ही बड़ी बात है, ये अचीवमेंट है। क्या लगता है रास्ता आप लोगों के लिए एक बन जाएगा बॉलीवुड तक का?
नहीं, रास्ता कभी बंद नहीं हुए थे, रास्ता खुले ही थे। बाकी जितने भी हमारे सीनियर थे सबने गाया हिंदी में, पवन भैया भी गाए और भी बहुत सारे लोग गाएंगे। तो अभी तो जैसे ही आएगा बदलाव, जो है प्रकृति का नियम है, तो वो चलता रहेगा, चलता रहेगा। और जितना ज़्यादा भोजपुरी बड़ा होगा हमारे लिए उतना खुशी की बात है। अच्छा, अब सरकार तो आप लोग के लिए स्कीम ला रही है, क्या लग रहा है जो ये नई सरकार है ये बेहतर थी कि पुरानी सरकार बेहतर थी? आपको क्या लग रहा है किस तरीके से पॉलिटिक्स के जरिए आप लोग आगे बढ़ेंगे? सरकार पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हम लोग पॉलिटिक्स से कोसों दूर हैं। आपके कोई फेवरेट होंगे ना कि जो पसंद होंगे? फेवरेट जो भी काम कर रहा है, जो भी अच्छा काम कर रहा है वो हमारे फेवरेट है, हमारे बिहारवासियों के लिए फेवरेट है और हमारे लिए भी फेवरेट है क्योंकि हम बिहारी हैं, हम सोचते भी हैं, रहते भी हैं, लिविंग मेरा बिहारी है, तो हम तो चाहेंगे कि जो अच्छा बेहतर काम करे वहीं रहे। सर, एक सवाल ये भी है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को हमेशा हीन दृष्टि से देखा जाता है। सारी चीज़ें तो बॉलीवुड में भी होती है, दूसरी इंडस्ट्री में होती है, लेकिन बार बार ये सवाल उठता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री सही नहीं है, यहाँ पे महिलाओं के साथ सही नहीं होता, छोटे कलाकारों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, जातिवाद है। इस बात से आप कितना सहमत है और क्या लग रहा है कि इतने दिनों में कुछ बदलाव आया है भोजपुरी इंडस्ट्री में? या महिलाएं हैं या फिर जो आप बोल रही हैं कि आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, हीन दृष्टि से देखा जाता है, ये इस बात में हम बिलीव नहीं करते हैं। खास करके लोगों का नज़रिया कुछ दूसरा होगा लेकिन हम बिलीव नहीं करते, इसलिए कि अगर आप में पोटेंशियल है, अगर आप में ताकत है काम करने की, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। हम भी छोटे घर से, हम भी सामान्य घर से आए हैं और भी जितने लोग आगे बढ़े हैं सब सामान्य घर से ही आए हैं, लेकिन कोई रोक नहीं पाया क्योंकि वो था, टैलेंट था, टैलेंट को कोई दबाए नहीं पाएगा। तो ये तो एक बात है कि हमको सहारा नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, अगर आप में पोटेंशियल है तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। चलिए, आखिरी सवाल ये रहेगा, सवाल क्या दर्शकों के लिए गाना हो जाए? जी, सावन में एक बहुत ही अच्छा आरती आया था, हे शिव दानी राउर आरती उतार तानी, हे भोले बाबा राउर आरती उतार तानी, आरती उतार तानी सिरे से नूरा मांग तानी, हे भोले बाबा राउर आरती उतार तानी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे और आपको बता दें कि हर जगह अभी सावन का महीना है, हर कोई महादेव की भक्ति में लीन है और जिस तरीके का माहौल है, आपको बता दें आज ताता लगा हुआ है भोजपुरी सितारों का। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।